अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। आज के वीडियो में बात करेंगे जिन स्टूडेंट्स ने भी यूजी सीयूटी 2024 के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो जो जनरल टेस्ट सब्जेक्ट है उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है, कौन से टॉपिक जो है उनको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये सब चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले। क्योंकि जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उसका तो फिर भी आपको ट्वेल्थ का सिलेबस है, ट्वेल्थ की एनसीईआरटी बुक है, वहां से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको उन सब्जेक्ट्स की भी स्ट्रेटजी चाहिए, उसका मटेरियल चाहिए, कमेंट करके बता देना, उस पर भी हम वीडियो ले आएंगे जिस पर ज्यादा हमें कमेंट्स वगैरह होंगी। तो आज के वीडियो में हम जनरल टेस्ट की बात करेंगे कि जनरल टेस्ट में आपने क्या कुछ करना है। एक तो जनरल टेस्ट सभी सब्जेक्ट्स के साथ कंपलसरी है, सेकंड जनरल टेस्ट की जो टॉपिक्स हैं वो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहे, तो यहां पर मैं पूरा आपको बताने जा रहा हूं। जो जनरल टेस्ट का एग्जाम है वो आपको ऑफलाइन होगा, आपको यहां पर ओएमआर बेस्ड शीट होगी, उसको आपने टिक वगैरह करनी है। एंड ओएमआर पर कैसे टिक करते हैं वो मैं आपको अलग से समझाऊंगा, अलग वीडियो बनाऊंगा। एंड ये जो एग्जाम है आपका 15 अप्रैल को होगा, एंड आपका जो टाइमिंग रहेगी वो रहेगी शाम को 5 बजे से लेकर 6 बजे तक। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा आपको पता चल जाएगा कि कहां पर आपका एग्जाम होगा, जब एडमिट कार्ड आएगा तब भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो जनरल टेस्ट आपका टोटल 250 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपने सिर्फ 50 अटेम्प्ट करने होते हैं, तो कोई भी 10 क्वेश्चंस को आप स्किप कर सकते हैं। अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन प्लस सिलेबस की बात करें, आपको एक तो यहां पर जो ज्यादा फोकस करना है ना वो आपने रीजनिंग प्लस मैथ पे करना है। अगर आपके सिलेबस के पार्ट्स बनाए, एक तो आपको आ जाता है रीजनिंग, सेकेंडली आपको आ जाता है बेसिक मैथमेटिक, तीसरा आपका आ जाता है जनरल स्टडी वगैरह प्लस करंट अफेयर्स, ये तीन बनते हैं। इन तीन में से जो आपकी दो है, आपका रीजनिंग प्लस आपका मैथ जो बेसिक मैथ है, उन दो को ऐड करके आपको 40 प्लस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपने ज्यादा फोकस किस पे करना है, आपने ज्यादा फोकस रीजनिंग प्लस बेसिक मैथमेटिक पे करना है। क्योंकि अगर आप बेसिक मैथमेटिक और रीजनिंग के क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाओगे आपको एग्जाम में निकलेंगे भी, अगर आप जनरल नॉलेज के क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाओगे उसके लिए आपने बहुत पढ़ना है। जनरल नॉलेज में आपको पूरा पॉलिटिक्स पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है और बहुत सा करंट अफेयर पढ़ना है। इसलिए मैं आपको यहां पर बोलूंगा आप ज्यादा फोकस जो है वो रखो आपका जो रीजनिंग है और आपका जो यहाँ पर बेसिक मैथमेटिक है उसको। रीजनिंग में भी अगर हम देखें आपका जो कोडिंग डिकोडिंग हो जाता है, एनालॉगी हो जाता है, क्लासिफिकेशन हो जाता है, आपका यहाँ पर अर्थमेटिक रीजनिंग हो जाता है। एंड ये जो आप देख सकते हैं क्लासिफिकेशन वगैरह, मिरर इमेज वगैरह, यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये टॉपिक ज्यादातर पूछे जाते हैं। एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको हम बेसिक मैथमेटिक बोल सकते हैं, उसमें आपको नंबर सिस्टम, HCF, LCM, स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, वर्क टाइम, टाइम डिस्टेंस एंड ये अल्जेब्रा वगैरह थोड़ा बहुत होता है, ज्योमेट्री वगैरह होता है, ये चीजें पूछी जाती है। एंड अगर बात करें हम जो आपका जनरल अवेयरनेस है, आप देखोगे यहाँ पर कम टॉपिक्स हैं पर ये बहुत लिंक्ड है। इंडियन हिस्ट्री आपने फिर बहुत से क्वेश्चन पढ़ने, इसके इंडियन पॉलिटी, इसके भी बहुत से क्वेश्चन, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, जनरल साइंस, कंप्यूटर्स आपका आ जाता है, एंड आपका थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज बेसिक आ जाता है और करंट अफेयर्स वगैरह होता है। तो अगर आप फोकस करो अच्छे तरीके से आपका रीजनिंग, आपका बेसिक मैथमेटिक प्लस आप करंट अफेयर्स पे, तो आपके जो 40 प्लस क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट हो जाएंगे। क्योंकि आपको टोटल 50 करने हैं, 60 में से आप कोई भी 10 छोड़ सकते हैं। तो यहां पर आप जो अगर जनरल नॉलेज को छोड़ोगे भी, अगर थोड़ा बहुत पढ़ भी लेते हो कोई मसला नहीं, बेसिक चीजें पढ़ लो, बाकी छोड़ भी सकते हो। अब इन सबको पढ़ना कहां से, एक तो मैं आपको बुक यहां पर प्रोवाइड करने जा रहा हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको पूरा पीडीएफ फाइल मिलेगा। बट इस पीडीएफ फाइल से आपने ज्यादा फोकस करना है रीजनिंग और आपका बेसिक मैथमेटिक, यहां से आप अपना जो भी करंट अफेयर है उसको नहीं पढ़ना क्योंकि ये थोड़ी पुरानी आपकी बुक है। बट जो रीजनिंग है एंड जो आपका जनरल स्टडी वगैरह है वो तो सेम रहता है, उसको आप पढ़ सकते हो यहां से। एंड आप अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में है वहां पर मैं आपको कुछ लिंक्स भी शेयर करूंगा, कुछ यूट्यूब वीडियोस की, जहां से आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। एंड मुझे भी अगर टाइम मिला मैं भी आपको जूम ऐप के थ्रू कुछ क्लासेस दूंगा, कुछ बेसिक टिप्स दिखाऊंगा रीजनिंग वगैरह के, बेसिक मैथमेटिक्स के, ताकि इजिली आपका क्रैक हो सके। अगर यहाँ आप सेफ स्कोर की बात करें, जो भी जम्मू एंड कश्मीर में टॉप कॉलेज है, जैसा कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू की आ जाती है एंड क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर की आ जाती है, इस्लामिक कॉलेज आ जाती है एंड कुछ और अगर कॉलेज है, यहाँ का जो सेफ स्कोर है, अगर आप जनरल टेस्ट में से टोटल 50 अटेम्प्ट करने, अगर आप 30 भी अटेम्प्ट करोगे समझो आपके लिए सेफ स्कोर है। अगर जो स्टूडेंट्स लॉ के लिए जा रहे हैं, BLLB के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में आपको जो BLLB करना है वो आपको जम्मू यूनिवर्सिटी, यहां पर अगर आपने BLLB करना है यहां आपको जनरल टेस्ट होना जरूरी है। तो यहां के लिए जनरल टेस्ट का जो आपका सेफ स्कोर है वो 40 प्लस क्वेश्चंस आपके करेक्ट होने चाहिए, तो यहां आपके लिए थोड़ा बहुत ज्यादा लिंक है। अदरवाइज आप बाकी किसी भी कॉलेज में अपनी मनपसंद कॉलेज में जाना चाहते हैं, जनरल टेस्ट का अगर आपको 30 क्वेश्चन भी करेक्ट हो जाएंगे समझो आपकी सिलेक्शन आपकी मर्जी के कॉलेज में हो जाएगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जनरल टेस्ट को कैसे प्रिपेयर करना है, कौन कौन से टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना है। तो इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स तक भी जरूर शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके।